ग्राम पंचायत गुतियार डी की सरपंच सरोज यादव और ग्राम पंचायत दुल्ला के सरपंच ढाल सिंह साहू को पद से बर्खास्त कर दिया है। दोनों के विरुद्ध गांव वालों ने भ्रष्टाचार की शिकायत की है। और आपको बता दें कि गुतियार डी की सरपंच पर शौचालय निर्माण में 19 लाख और स्कूल निर्माण के 7 लाख रुपए निकालने का गबन करने का आरोप था। दुल्ला पंचायत सरपंच के विरुद्ध गांव में रेत घाट को अवैध तरीके से अनुबंध कर निजी व्यक्तियों को देने का आरोप लगा था। और आपको बताएं कि इसके बाद एसडीएम न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की गई। दोनों प्रकरणों में तमाम पक्षों की सुनवाई के बाद पंचायती राज अधिनियम 1991 की धारा 40 के तहत दोनों सरपंचों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमितता की जा रही है, जिसके तहत जांच करवाई गई। जांच में दोषी पाई गई। दोषी पाए जाने पर उनको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात बर्खास्त किया गया।